Welcome in my total video number 125 on my YouTube channel Accounts Boss. Chapter मैं पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जिसका लेक्चर नंबर 26 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे. आज का टॉपिक पिछले वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू होगा. सम गुड केसेस ऑफ रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम चल रहे हैं और ये उससे रिलेटेड पार्ट 5 है. एक बात मुझे बताना होगा बच्चे आपको, ये बच्चे मैं अपने YouTube चैनल अकाउंट्स बॉस पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूं. जिन भाई बंधुओं, जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जिनके छूट गए हैं वहां जाके आप देख सकते हैं और दूसरी जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. एक बार आप मेरे साथ जुड़े और फिर उसका मजा उठाएं. आपको डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके. हर लेक्चर के नीचे आप कमेंट में जाके हर लेक्चर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं उसको जरूर बताऊंगा और तुरंत बताने का कोशिश करूंगा. जिनके भी डाउट्स हैं मैं उसे अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी दिया हूं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूं, वहां भी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. मैं उनको जरूर से जरूर बताऊंगा. और एक बात मैं अपने YouTube चैनल अकाउंट बॉस के बारे में बता दूं, यहाँ पे थोड़े थोड़े टॉपिक्स को नहीं डाला जाता है बच्चे. यहाँ पूरा का पूरा कंप्लीट जो चैप्टर कहलाता है ना, मान लो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जितने भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट बात से लेके जो भी बात लिखी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया गया है. तो इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. आपको पूरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां भी आपको पूरे सेट मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट के. ठीक है बच्चे, कुछ भी नहीं छोड़ा गया. एक एक चीज मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स बॉस पे डाला गया, एक एक चीज. और लगे कि हमसे छूट गया है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया है तो प्लीज आप बता दीजिए, मैं फिर से एक आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के भी डाल दूंगा. ठीक है बच्चा, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. ये मेरा टॉपिक क्यू नंबर है, क्वेश्चन है अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 5000 बी प्रोवाइडेड फॉर. अनअकाउंटेड मतलब अनरिकॉर्डेड, जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है. एक्रूड इनकम तो आप जान ही रहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है. तो एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग एक तरह से होता है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम जो होगा एसेट होगा. तो जाहिर सी बात है अगर किसी एसेट्स का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो एसेट्स बढ़ेगा और एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे. तो एक्रूड इनकम अकाउंट DR टू एसेट्स बढ़ेगा तो फॉर्म को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को हम रिवेल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. तो रिवेल्यूशन अकाउंट एकदम आसान सा है बच्चे, 5000 का था तो 5000 यहां लिख देंगे. मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि एक्रूड इनकम होता क्या है. बकाया इनकम, इनकम हो चुका है, बस कैश मिलने बाकी रह गए हैं, तो मतलब भविष्य में आपको पैसा मिलने वाले हैं. और कोई भी पैसा भविष्य में मिलने वाला होता है वो एसेट्स ही होता है बच्चे. तो एसेट्स बढ़ता है, हमने डीसी एडलर का कॉन्सेप्ट बार बार डिस्कस किया है. तो आप एसेट्स बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट कर देंगे. एसेट्स बढ़ने के कारण फर्म को फायदा होगा, फायदा को रिवेल्यूशन अकाउंट में डालेंगे हम. ठीक है, यहां लिख देंगे एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड. छोटा सा नरेशन है बच्चे इसका. ठीक है, क्लियर है ना. और ये बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे जो न्यू वाला बैलेंस शीट बनाएंगे. चलिए मैं इसको रेड पेन से जरा बता दूं. ये जो आप न्यू बैलेंस शीट समझ रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट का मतलब जो फर्म का रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट है जिसमें न्यू पार्टनर भी एडमिट होगा, तो उस वाले बैलेंस शीट में ये जो एक्रूड इनकम दिख रहा है ना, एक्रूड इनकम, उसको आप क्या कीजिएगा, एसेट साइड में ले जाके लिख दीजिएगा बैलेंस शीट में. कहां पे लिखिएगा, एसेट साइड में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैं
इससे रिलेटेड आपको स्पेशल टॉपिक तो डाल ही चुका हूं रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, लेकिन एक तरह से यहां पे आपका रिवाइज हो जाएगा। वैसे रेम्यूनरेशन से रिलेटेड मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डाला था, एडमिशन में भी डाला था, आपको कोई परेशानी नहीं होगा बच्चे। आइए, बी ए पार्टनर वाज टू कैरी आउट रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। बी एक पार्टनर है जिसको फर्म का रिकंस्ट्रक्शन वर्क देखना है और उसको फर्म ने रेम्यूनरेशन दिया 12,000 का एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ये लाइन नहीं भी लिखता तो उसी को बियर किया करना होता है, मतलब जिस पार्टनर को फर्म रेम्यूनरेशन देगा उसी पार्टनर को उस रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है, रिकंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंस है, बियर करना होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मान लो ए है एक पार्टनर और एबीसी फॉर्म है, तो ये एबीसी फॉर्म मान लो ए को कुछ सैलरी दे दिया, बोला कि फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा तुम ही देखोगे, रिकंस्ट्रक्शन का जो जो काम होगा, तो उस खर्चा को बियर यही करेगा क्योंकि उसके लिए तो वो सैलरी ले चुका है ऑलरेडी। वैसे यहाँ पे क्लियर भी लिखा हुआ है वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब उसी को बियर करना था। एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 7,000 एंड वेयर पेड बाय बी। एक्चुअल अमाउंटेड जो खर्चा हुआ 7,000 हुआ और उसको पे किया बी ने, उसको पे किया बी ने। अब जब पे किया बी ने 7,000 का एक्चुअल खर्चा, तो भाई इसका एंट्री हम नहीं करेंगे, इस लाइन का एंट्री नहीं होगा। ये जो लाइन यहां से यहां तक लिखा हुआ है बच्चे, इससे आप कोई लेना देना नहीं समझिएगा, या फालतू का ऐड करके आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे क्लियरली जब बोल दिया है कि भाई एक पार्टनर है बी जिसको एक रेम्यूनरेशन मिल गया है 12,000 का, अब 12,000 का रेम्यूनरेशन मिला ऑलरेडी, तो उसी को सारे खर्चे भी बियर करने हैं, उठाने हैं, बियर करना मतलब उठाना। तो भाई जब उसको रेम्यूनरेशन दे दिया गया तो उसका तो एंट्री आप जान ही रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, चूंकि फॉर्म के लिए खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर ग्रुप पेंशन लेता टू बीस कैपिटल होगा। भाई बी के रिवैल्यूएशन के लिए सैलरी मिला है, रेम्यूनरेशन मिला है, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है 12,000 का, ये तो क्लियर एंट्री है कि रिवैल्यूएशन टू बीस कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा लाइन लिख के सबको कंफ्यूजन में डाल दिया और बच्चे इसके भी एंट्री करने लगते हैं। एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 7,000 एंड वेयर पेड बाई बी, इसका मतलब कुछ नहीं बच्चा। भाई एक्चुअल गिरे 12,000 या उससे ज्यादा गिरे या कम गिरे, भाई जितना पैसा मिल गया उसी को करना है। ज्यादा में थोड़ा जितना पे करता है उसमें थोड़ा बहुत लोचा होता है, लेकिन कम में कोई दिक्कत नहीं है। 7,000 खर्चा गिरा है और 7,000 वही दे दिया, भाई तो उसी के लिए तो उसको दिया गया था 12,000, अब वो खर्चा कर दिया 7,000 अपने पॉकेट से, उसकी एंट्री कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पे एंट्री सिर्फ रिवैल्यूएशन टू 20 कैपिटल अकाउंट 12,000 होगी, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे यू समझो कि रेम्यूनरेशन पेबल टू बी इंक्रीजेस द फर्म्स लायबिलिटी टुवर्ड्स बी। रेम्यूनरेशन जो पे हुआ बी को, ये फर्म का लायबिलिटी बढ़ा दिया बी के तरफ, इसीलिए बी का जो कैपिटल है क्रेडिट हो गया, बात समझ रहे ना। और यू बोलो कि उसको रेम्यूनरेशन मिल गया तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो गया, दोनों ही भाषा में एक ही बात है। भाई फॉर्म ने खर्चा किया 12,000 तो फॉर्म की एक लायबिलिटी बन गई ना, और फॉर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बात समझ रहे हैं, एंड रेवल्यूशन अकाउंट डेबिटेड एज एक्सपेंस फॉर द फॉर्म 12,000 का। नरेशन लिख देंगे रेम्यूनरेशन पेबल टू बी, रेम्यूनरेशन पेबल टू बी, कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चा। ये भी एक्सपेंस का ही क्वेश्चन है, एक्सपेंस ऑफ 1,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग बिलोंग टू पर्सनल एक्सपेंस ऑफ यू। भाई ये दूसरा है, मतलब ये रेम्यूनरेशन का नहीं है। वैसे जिसको भी रेम्यूनरेशन में प्रॉब्लम है, सारे एंट्री अगर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड देखना है, तो उसको मेरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएंगे, आपको बैनर में दिख जाएगा स्पेशल लिखा होगा रेम्यूनरेशन, एडमिशन में भी डाले हैं वहां भी आप जाइएगा तो रेम्यूनरेशन लिखा होगा, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, तो उस
वीडियो को आप क्लिक करके आप वहां पे डिटेल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। आइए, खैर ये क्वेश्चन रेम्यूनरेशन से रिलेटेड नहीं है। एक्सपेंस ऑफ 1000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलोंग टू पर्सनल एक्सपेंस ऑफ, ये जरा ध्यान देखो, एक खर्चा हुआ कितना 1000। अभी खर्चा एक्चुअली एक था और भी पर्सनल एक्सपेंस था और इस खर्चे को पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, यहां पे लिख दिया गया टू एक्सपेंस 1000। भाई ये तो ए का खर्चा था तो पीएल में लिख दिया गया, ये कर दिया गया, ये होना नहीं चाहिए था, खर्चा तो ए अपना किया है लेकिन ये दिखाया गया कहां पे, पीएनएल अकाउंट में। तो एक तरह का जो ये खर्चा आप देख रहे हैं ना, वो खर्चा ए से वसूला जाएगा। अब भाई तुम्हारा खर्चा को फर्म दे रहा है तो फर्म तुमसे वसूलेगा और फर्म तुमसे वसूलेगा तो फर्म के लिए इनकम होगा, एसेट होगा। जरा देखो इसका एंट्री क्या होगा, फिर इस लाइन पे आते हैं। इसका एंट्री होगा बच्चे एस कैपिटल, उसका कैपिटल को घटाया जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डीआर। वैसे भी यूं सोचो या डेबिट क्यों हुआ, फॉर्म के लिए ये फायदा होने वाला है, एसेट होगा, फॉर्म का एसेट होगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। टू, फायदा होगा तो फॉर्म में क्रेडिट किया जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अभी दूसरे लाइन को समझते हैं। ए डेप्ट ऑफ 1000 विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर वे आर रिकॉर्डेड रिकवर्ड बाई ए, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाई ए नाउ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 1000 का डेप्ट था, बकाया था, जिसको राइट ऑफ किया गया लास्ट ईयर में, खर्चा दिखाया गया, अब ए से वसूला गया चूंकि ए पार्टनर है। ये क्यों ए पार्टनर है, तो जब आप मेरा शुरुआत के टॉपिक में जाएंगे जहां हमने ये लेक्चर को शुरुआत किया था केसेस वन में, तो वहां पे मैंने आपको एक लाइन लिखा था। देखो ए और बी वी आर पार्टनर और सी एक नया पार्टनर बनता है, तो शुरू में ही एक क्वेश्चन मैंने डाला था और उससे रिलेटेड मैं ए टू जेड या यू बोलो उससे भी एक पॉइंट ज्यादा मैं आपको कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं। अभी क्यू नंबर पे हूं, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में आप क्लियरली जानना है कि ए और बी दोनों पार्टनर है और सी भी नया पार्टनर है। तो यहां पे जब देखेंगे आप, यहां पे जब आप देखेंगे तो एक डेप्ट था 1000 का जिसको राइट ऑफ कर दिया गया था बैड डेप्ट लास्ट ईयर, अब ए से रिकवर किया जा रहा है क्योंकि इस अमाउंट को ए को पे करना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फॉर्म के लिए वो पैसा हो जाएगा फायदा, तो यहां पे 1000 लिख देंगे, ठीक है, नेडेशन लिख देंगे एज पर्सनल एक्सपेंस चार्ज्ड फ्रॉम हिम, उसी से ना लिया गया फ्रॉम हिम थ्रू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के थ्रू से ले लिया गया, बात तो समझ गए होंगे। चूंकि एज पर्सनल एक्सपेंस वे आर मेट बाय द फॉर्म, मतलब फॉर्म के द्वारा दिया गया है, इसीलिए एज का कैपिटल अकाउंट को घटाया जाएगा, इसीलिए घटेगा तो डेबिट हो जाएगा और घटने से फॉर्म के लिए फायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे लाइन में जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन अगर इसका हम बात करें और वाले पार्ट का, तो बैड डेट अब रिकवर किया जा रहा है, एस रिकवर मतलब अभी स्टिल रिकवर करने वाले हैं और जब हम रिकवर करेंगे इसका मतलब है एक ही कैपिटल अकाउंट को घटाएंगे और घटाएंगे तो एक कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और चूंकि इससे फॉर्म को गेन हो जाएगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो मतलब इस लाइन के अर्थ में थोड़ा सा अर्थ अंतर है लेकिन उसका सोल्यूशन वही है। यहाँ पे बात हो रहा है कि बैड डेप्ट रिकवर्ड ऑफ रूपीज 1000 आर स्टिल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ए, हमारा जो बैड डेप्ट हुआ था वो तो ए से रिकवर करना था हमको, अभी तक हुआ नहीं है तो रिकवर करने के लिए हम ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, और उससे हमको फायदा होगा, रिकवर होगा, आज ना कल पैसा तो हमको फायदा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो ए डेप्टर हुज ड्यूज ऑफ रूपीज 5000 वेयर रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर पेड 4000 इन फुल सेटलमेंट, बड़ा अच्छा है। एक डेटर था जिसका 5000 रुपया को हम लोग बैड डेप्ट माना था,
उसमें से 4,000 वो दे दिया फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब है कि 1,000 रुपया मेरा अब डूब गया। ठीक है, अब सोचो इसकी एंट्री क्या होगी। तो आइए जरा ध्यान से समझते हैं एकदम छोटे छोटे पॉइंट को। सबसे पहले एक डेटर था जिसका ड्यू था 5,000 लास्ट ईयर, पेड 4,000, मतलब वो दे दिया। अब जब भी कोई पैसा मिलता है डेटर से, डूबा हुआ पैसा, तो एसेट बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे। टू बैड डेट रिकवर, याद करो आप 11th में थे तो आप ये चीज पढ़े होंगे कि जब भी कोई डेटर जो पैसा डुबाया रहता है, बैड डेट हुआ रहता है, उससे पैसा वसूला जाता है, मिलता है, वो देता है, तो हम बैड डेट रिकवर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट रिकवर अकाउंट 4,000, नरेशन लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड इन कैश, बैड डेट रिकवर्ड इन कैश। ठीक है ना, याद है ना आपको, एंट्री भूले तो नहीं है ना। डूबा हुआ पैसा जब वापस आता है उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है भाई, एसेट बढ़ गया तो कैश डेबिट हो गया, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, इनकम है वो। ठीक है ना, अब बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो हुआ है, ठीक है ना, उससे फॉर्म को फायदा होगा। फॉर्म को क्या होगा, फायदा होगा, तो उसका एक और एंट्री पास किया जाता है बच्चे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो 4,000 का हमें फायदा हुआ है, रिकवर्ड अकाउंट डीआर, उस फायदा को हमको रिवॉल्यूशन में दिखाना पड़ेगा। उस फायदा को हमको रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, 4,000 का जो फायदा हुआ है। ये इसकी कंबाइन एंट्री भी ऐसे हो सकती है, कैश टू रिवॉल्यूशन, ये भी एंट्री आप पास कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल एंट्री पास करने से करें हम इसलिए ताकि आप समझ जाएंगे। आप यूं सोचो ना, आपके आपको कुछ पैसा रिकवर हो रहा है डेटर से जो डूब गया था, तो डूब गया था तो पैसा मिलता है तो क्या एंट्री होता है, कैश टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। अब ये बैड डेट रिकवर के कारण हमको फॉर्म को इनकम हो गया ना उस समय, तो फॉर्म का इनकम कहाँ दिखाना है, चूंकि हमको रिवॉल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म के रिकंस्ट्रक्शन के पहले वाला काम पढ़ रहे हैं, तो ये जो पैसा हमको मिला है, मान लो हमारा फॉर्म का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, दोबारा से बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब दोबारा से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अचानक से हमारा जो पैसा डूबा था वो मिलेगा, तो हम अपना दिखाएंगे ना बच्चे एसेट्स में। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डीआर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट लिख देंगे, गेन ड्यू टू बैड डेट रिकवर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो गया, बस समझिए ना, जो लास्ट साल डूबा था वसूली हो गया, इससे फर्म को फायदा हो गया। फायदा को तो कहीं ना कहीं दिखाना है, तो हम कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये यू नंबर है बच्चा, और यहां पे आप काफी ध्यान देंगे, एकदम ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब केयरफुली एकदम सुनेंगे एक एक बात को, यहीं से आपका एक्चुअल दुनिया शुरू होगा। मैंने एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिया है, मतलब एक बड़े बैलेंस शीट से एक छोटा पार्ट लिखा है आपके, मतलब यू बोलो तो ये ओल्ड बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। वहां पे बैलेंस शीट में कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा, डेटर 50,000 और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, ठीक है, और यहाँ पे 40,000, ये ग्रॉस फिगर हो गया, ये नेट फिगर हो गया। और यहाँ पे मतलब यू बोलो कि एडजस्टमेंट में, या यू बोलो कि जो बैलेंस शीट बना है उसके नीचे एक पॉइंट में दिया हुआ है, वन नंबर पॉइंट मान लो, देयर आर बैड डेट ऑफ रूपीज 12,000, मतलब ये जो बैलेंस शीट बड़ा सा दिया रहेगा उसके नीचे बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया रहता है, और उस एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ है देयर आर बैड डेट ऑफ रूपीज 12,000। बात तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया बताओ जल्दी, सर समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम मान के चले, लेजर खोल के हम इसको समझाते हैं, फिर हम आपको जर्नल भी समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको लेजर भी आ सकता है, जर्नल भी आ सकता है,
तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दोनों चीज सिखा दो। जर्नल आएगा तो जर्नल बना दीजिएगा, लेजर आएगा तो लेजर बना दीजिएगा। अब लेजर बैड डेब्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट खोलने के लिए नहीं आता, ये एक्चुअली वर्किंग नोट है भाई। आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा, तो वो एक लेजर है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा फिगर दिखाएंगे, अब उसमें ध्यान देना होगा, ठीक है। अब जरा बढ़ते हैं बैड डेब्ट, चूंकि एक्सपेंस है और इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं, तो टू बैलेंस बीडी यहाँ लिखते हैं, चूंकि इस क्वेश्चन में नील है तो यहाँ पे नील हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है देयर आर बैड डेट ऑफ रुपीज 12,000। जब भी बैड डेट होता है तो बैड डेट टू डेटर होता है, बैड डेट टू डेटर होता है, कितना लिख देंगे यहाँ पे 12,000, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जोड़ के यहाँ पे 12,000 लिख देंगे, यहां भी 12,000 लिख देंगे बच्चे, मेरा कंसेप्ट समझिएगा, कुछ नहीं है, 11th का ही बात बता रहे हैं। अब ये जो बैड डेट हुआ है ना, उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट में, तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट जितना भी मेरा एक्चुअल बैड डेट हुआ है उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट से हमको एडजस्ट करना होता है, तो यहां लिख दिए 12,000। जरा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट खोले हैं, ये एक लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे होगा, तो बाई बैलेंस बीडी आप यहाँ पे लिखोगे, कितना लिखोगे, तो भाई बाई बैलेंस बीडी तो ओल्ड प्रोविजन का दिया ही हुआ है 10,000, तो यहाँ पे आप 10,000 लिख देंगे आप। अब ये जो प्रोविजन एक्चुअल हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसकी पोस्टिंग यहाँ होगी उल्टा साइड में टू बैड डेट, तो यहां पे आप लिख देंगे टू बैड डेप्ट, कितनी की हुई है 12,000, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सिटी, लेकिन ये क्वेश्चन में न्यू प्रोविजन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जैसे एडजस्टमेंट में लिखा रहता है न्यू प्रोविजन 5%, ऐसा क्वेश्चन मैं आगे आपको करवा रहा हूं। तो अभी ये मान लेते हैं नील है, अभी ये नील है। अब देखो यहां पे बड़ा अच्छा से सिखा रहे, ये क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड होता है, जरा ध्यान से सीखना। अब दोनों तरफ में किधर जाते हैं, इधर जाते हैं, तो जो जाते हैं आप दोनों तरफ लिख दोगे बच्चे, और जिधर कम रहेगा उधर लगाओगे रिवैल्यूएशन। पहले लगाते थे 10th क्लास में, क्या लगाते थे, पीएनएल अकाउंट, अब लगाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हुआ बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना का हुआ बच्चे, 2,000 का, ठीक है। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन बताएंगे। अब जरा जर्नल की बात करें तो इसमें दो जर्नल होगी, सबसे पहले तो मेरा पैसा डूबा है तो बैड डेट अकाउंट डियर टू बेट डेटर अकाउंट, कितने की हुई भाई 12,000 की हुई, मैंने लिख दिया 12,000। नरेशन के लिए जगह नहीं है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है भाई। जब भी पैसा डूबता है ना तो डेटर को घटाते हैं, और डेटर घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, बैड डेट खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, एंट्री तो समझ रहे होंगे, पहले भी पढ़े 11th में। और अब क्या करना है, इस बैड डेट को क्लोज करना है, तो हम इसको प्रोविजन से क्लोज करते हैं। क्यों प्रोविजन भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट और रियल बैड डेट में क्या अंतर है भाई। हमने प्रोविजन का मतलब हम माने थे कि मेरा 10,000 डूबेगा, लेकिन एक्चुअली मेरा 12,000 डूब गया, ऐसा समझो। हमने माना था कि 10,000 डूबेगा, प्रोविजन एजम्पशन है, रियल बैड डेट नहीं है, ये रियल बैड डेट है। हमने एजम्पशन किया था 10,000 का, लेकिन एक्चुअली मेरा डूब गया कितना, 12,000, कंडीशन समझो। तो हम अपने बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे, और जब भी एडजस्ट करेंगे तो ये बैड डेट को हमको क्रिएट करना होगा, तो लो यहाँ पे टू बैड डेट कर देते हैं, कितना 12,000। अब इसको एडजस्ट करेंगे प्रोविजन से, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्चुअली है कितना 10,000, तो एडजस्ट तो 10,000 होगा, बाकी कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, अब डीआर है बच्चे छोड़ दिया हूं, 2,000 हो गया। नरेशन लिख सकते हैं, ए पार्ट ऑफ बैड डेट मेट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैलेंस चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
मतलब एक्सेस ऑफ बैड डेट, जो एक्सेस है ना बैड डेट ओवर प्रोविजन, एक्सेस ऑफ बैड डेट ओवर प्रोविजन, इसको आपको ट्रांसफर कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बात समझिए, अब नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड मैं आपको तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो अभी फिलहाल बताने ही वाला हूं, ध्यान से देखना, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा। आज बहुत लंबा लेक्चर होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को डाल के हम कंटिन्यू कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूं आप बोर हो जाए लंबा लेक्चर देखकर। आइए एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है ना, बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट। एक बड़ा बैलेंस शीट है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया। क्या डेटर आपका 50,000 है, 50,000 है, जरा ध्यान देना बच्चा। और लेस किया गया प्रोविजन, मतलब पिछले साल माना गया था कि इतना पैसा डूब जाएगा 5,000, तो नेट फिगर है 45,000। आगे बढ़ते हैं, मतलब एडजस्टमेंट में देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 4,000 ड्यू फ्रॉम महेश, एक महेश डेटर था जिससे 4,000 बकाया था, इज टू बी रिटेन अब एज नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब उसको मान लेना है कि वो डूब गया, वो पैसा नहीं देगा। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन रिमेनिंग डेटर इज टू बी मेंटेन एट द करेंट रेट। बड़ा धांसू क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा धांसू है, इसको ध्यान से देखना होगा, मुझे भी ध्यान से देखना होगा। देखते हैं जरा, भाई एन अमाउंट ऑफ 4,000 ड्यू फ्रॉम महेश ए डेटर इज टू बी रिटेन ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। ये तो समझ में आ गया कि एक महेश एक डेटर था जिससे हमको 4,000 रुपया लेने वाले थे, वो अब डूब गया और डूबने के कारण हम उसे पैसा वसूल नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको अब इस साल, पिछले साल का प्रोविजन 5,000 था, इस साल हमको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिमेनिंग डेटर इज टू बी मेंटेन एट द करेंट रेट। किस रेट पे बनाना है, तो भाई जो अभी करेंट रेट चल रहा है उसी रेट पे हमको डेटर मेंटेन करना है, मतलब न्यू प्रोविजन तैयार करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे तो तीन केसेस आप देख रहे हैं, एक तो 4,000 डूब गया, दूसरा हमको प्रोविजन निकालना है, और तीसरा प्रोविजन का रेट ही नहीं दिया हुआ है। तीन चीजें ना बच्चे। तो अगर हम बात करें प्रोविजन का रेट निकालने के लिए, तो जरा इस खाली जगह पे देखो, यहां पे छोटा सा जगह पे बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये वर्किंग आउट है। एक तरह से पूछ रहा है करेंट रेट और प्रोविजन पता करो, तो अभी प्रोविजन का करेंट रेट कितना है जरा देखते हैं। हमको 50,000 में 5,000 दिख रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे परसेंटेज, कैसे निकालेंगे भाई, रेट मतलब परसेंटेज की बात होती है। तो जितना प्रोविजन आया है डिवाइडेड बाय जितना मेरे पास डेटर है इनटू 100 कर दो, यही रूल है। अगर 3,0 3,0 कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, तो यानी कि हमको 10% आ गया, यानी हमको तो मालूम चल गया कि प्रोविजन का रेट कितना है 10%। पहला कैलकुलेशन तो आप समझ गए। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, कहां बताइएगा, जगह ही नहीं है। ठीक है बच्चे, जब जगह नहीं है तो एक काम करो, मैं आपको एक रफ पेज में बता रहा हूं, आप उसको वर्किंग नोट में दिखा देना। जा देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन, आगे बढ़ा रहा हूं यहां, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन, हमारे पास डेटर कितना था, 50,000 था, इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे बैड डेट, और एक्चुअल बैड डेट घटाया जाता है, याद करो पहले भी हम लोग पढ़े हैं, तो ये एक्चुअल बैड डेट 4,000 था, 4,000 घटने के बाद ये आया 49,000, कितना है बच्चे 49,000, नहीं 46,000, सॉरी 46,000 है। सो न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू, न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू रूपीज 46,000 का 10% जो रेट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0,0 कट गया 4,600, कितना हो जाएगा बच्चे 4,600 हो जाएगा,
एकदम क्लियर है न्यू प्रोविजन। अब आते हैं आगे बढ़े ना, आइए। मैंने आपको यहाँ पे बैड डेब्ट का कॉलम ड्रॉ किया है और एक प्रोविजन का कॉलम ड्रॉ किया है, मतलब लेजर खोला है। तो आइए बैड डेब्ट में आते हैं। टू बैलेंस बीडी मतलब क्वेश्चन में हो सकता है कि पहले से भी बैड डेब्ट रहता है, ऐसा भी हम एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे आपको। रिवेल्यूशन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पहले से बैड डेब्ट है, पहले से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हाँ नील लिख दो बच्चे। उसके बाद बैड डेब्ट नया वाला कितना हुआ, टू डेटर, अब डेटर महेश है 4000, ये तो हमको क्लियर हो गया। अब इस 4000 को हमको प्रोविजन में ट्रांसफर करना होता है, तो जब ट्रांसफर करते हैं तो यहां लिख देते हैं बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट जो भी लिखा हुआ लिख देंगे। यहां डाउटफुल डेब्ट है तो डाउटफुल डेब्ट लिख देते हैं। कितना भाई 4000, अगर मान लो ओल्ड प्रोविजन 1000 होता तो यहां पे हम ट्रांसफर करते 5000। याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिएगा, ये एंट्री है। आगे बढ़ते बेटा, यहां प्रोविजन में आते हैं। सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी चुकी है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट होता है, और बीडी ओपनिंग बैलेंस को बोला जाता है, याद है ना बच्चा। भाई जब भी प्रोविजन लिखा है इसका मतलब लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होती है, और ये बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो भाई पहले से बैड डेब्ट का प्रोविजन है 5000, मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टू बैलेंस सीडी मतलब नया वाला क्लोजिंग प्रोविजन कितना आया मेरा, अभी अभी तो निकाले थे हम पेज में 4600, नहीं याद है तो याद देख लो 4600, तो मैं यहां पे लिख दिया 4600, काम करता हूं ध्यान से देखना। उसके बाद ये जो हमने प्रोविजन ट्रांसफर किया है भाई, यहां अभी तो लिखाएगा ना, तो किधर लिखाएगा, डेबिट साइड में उल्टा साइड लिखाएगा, किस नाम से, टू बैड डेब्ट अकाउंट, टू बैड डेब्ट अकाउंट, बड़ा आसान से है ये। अब यहां पे आप लिख दोगे 4000, अब दोनों साइड जोड़ोगे किधर जाते हैं, कभी कभी इधर जाते होता है, कभी कभी इधर जाते होता है, लकीली हम लोग इधर ही जाते हैं, तो 8600 हो गया। यहां भी लिख दो 8600, अब 8600 में से बच्चे 5000 घटा दो, तो आशा करते हैं ये हो जाएगा 3600। अब 3600 कहां डाल दोगे, तो बाई रिवेल्यूशन अकाउंट में, हमेशा याद रखना ये वाला चीज चला जाएगा रिवेल्यूशन अकाउंट में, और ये बैलेंसिंग फिगर होगा, समझ गए बच्चे। अगर आप अकाउंट खोल के मेरी तरफ सीखेंगे ना, तो ये जो रिवेल्यूशन में कितना फिगर जाएगा एग्जैक्ट निकालना आप सीख जाएंगे। जो भी बच्चा इस तरह नहीं निकालता है वो हमसे ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछता है कि सर ये नहीं समझे फिर से बताइए, क्योंकि उसके बुक में कुछ और कंसेप्ट दिया हुआ है, वहां पे जर्नल से अजीब तरह से बनाया गया है। मैं आपको लेजर के थ्रू हर चीज बताता हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हर आशा करते हैं कि आप लेजर समझ गए हैं। अब इसी लेजर को देखते हुए अगर हम जर्नल एंट्री को पहले बना लेते हैं, जरा मैंने बना लिया है पॉज करके, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो बैड डेट टू डेटर हुआ, कहां से हुआ बच्चा, जरा देखो ये बैड डेट टू डेटर है 4000, तो मैंने यहां लिख दिया बैड डेट अकाउंट दिया टू डेटर अकाउंट 4000, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन आप लिख सकते हैं बैड डेट रिटेन ऑफ, ठीक है। उसके बाद इस प्रोविजन को मैंने ट्रांसफर किया है बैड डेट में, जरा देखो, तो प्रोविजन क्रेडिट में है तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन टू बैड डेब्ट, तो यहाँ देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट या टू बैड डेब्ट 4000, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ देखो, इसकी एंट्री होगी नहीं, इसकी एंट्री होगी नहीं, इसकी एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बचाइए, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, तो इधर वाला की एंट्री क्या हो जाएगा, रिवेल्यूशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रिवेल्यूशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट 3600। अब जरा समझते हैं बच्चे कि जर्नल ही अगर आपको बनाना होता, ये तो मैंने आपको लेजर के थ्रू बता दिया, लेकिन जर्नल ही बनाना होता तो आप कैसे बनाते, वैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्लीज आप लेजर बनाइएगा, लेजर ही लर्न कीजिएगा, लेजर ही सीखिएगा, इसी को सीखना जरूरी है, ठीक है बच्चा, इसको सीख लीजिएगा लेजर। आप कैसे सीखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया, प्लीज बैक जाके रिवाइंड करके फिर से आप देखिएगा। वैसे आइए हम थोड़ा सा जर्नल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले तो आप लोग देख लिए कि भाई बैड डेब्ट टू डेटर हुआ, ये एंट्री कैसे हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बैड डेब्ट टू डेटर 4000 का।
उसके बाद इस बैड डेट को आप एडजस्ट करेंगे ओल्ड प्रोविजन से, तो भाई बैड डेट जैसे ही एडजस्ट होता है ना तो टू बैड डेट हो जाता है, और यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन लिख देंगे। हो सकता है ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो, यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन ज्यादा ही था, बैड डेट 4000 था जबकि ओल्ड प्रोविजन 5000 था, लेकिन एडजस्ट तो हम सिर्फ 4000 कर सकते हैं। इस बैड डेट में एडजस्टमेंट तो सिर्फ 4000 कर सकते हैं, तो मैंने 4000 एडजस्ट कर दिया। अभी भी आपके पास स्टिल 1000 बकाया है ओल्ड प्रोविजन का, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन का कितना बकाया है? 1000 ज्यादा है। अब नया प्रोविजन बनाइएगा तो वो क्रेडिट होगा, नया प्रोविजन बनाइएगा तो ये क्रेडिट होगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाता। नया प्रोविजन कितना होगा ये जरा समझेंगे कैसे। भाई ओल्ड प्रोविजन को खत्म कीजिएगा 1000 जो बचा है डेबिट में, और खत्म करेंगे न्यू प्रोविजन से ही, ठीक है। तो जब हम उसको खत्म करेंगे न्यू प्रोविजन से, तो 1000 जैसे कि मेरा न्यू प्रोविजन 4600 निकल गया है, जरा देखो यहाँ पे 4600 निकल गया, हम उससे 1000 एडजस्ट कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, तो मेरे पास ओल्ड प्रोविजन मतलब बचा कितना, अब प्रोविजन लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, बचा कितना 3600, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। लाइबिलिटी बढ़ने से फॉर्म के लिए खर्चा हो गया, तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना चला जाएगा? 3600। सवाल ये उठता है, लेकिन कभी कभी होता है बैड डेट ही ज्यादा हो जाता है, ओल्ड प्रोविजन कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हमको न्यू प्रोविजन से भी एडजस्ट करना पड़ जाता है कभी कभी। मतलब मान लो बैड डेट यहाँ पे 5000 की जगह पे 6000 होता, तो हम तो सिर्फ प्रोविजन जो ओल्ड प्रोविजन है वहां 5000 एडजस्ट करते हैं, बाकी हमको यहां से एडजस्ट करना होता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लीज 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 आप लेजर बनाना सीखिए। कैसे मैंने बनाया भाई, बैड डेट अकाउंट को देखो, मैंने बहुत प्यार से बताया कि बैड डेट टू बैलेंस बीडी नील, बैड डेट टू डेटर 4000, उसको ट्रांसफर कर दिए प्रोविजन में। फिर मैंने प्रोविजन को बैड डेट अकाउंट खोला, ओपनिंग बैलेंस 5000 है, क्लोजिंग बैलेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, बैड डेट लिख दिया, और ये बैलेंसिंग फिगर जिधर जाएगा। तो ये बनाना बड़ा आसान है, लेकिन भाई जर्नल आप सीखोगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी आसान है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो भी टफ है, लेकिन कंपेरिजन अगर करें हम जर्नल और लेजर का, अगर मेरे से पूछो तो मैं हमेशा ऑलवेज प्रीफर करूंगा लेजर। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, प्लीज आप लेजर को फॉलो करेंगे, और जिनको जर्नल से सीखना है तो जर्नल से भी सीख लेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए बाय बाय, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करना ना भूले, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी कीजिए बच्चे, हर एक बच्चे लाइक कीजिए, ठीक है बच्चा, बाय बाय।